हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फेस मास्क फॉर ग्लोइंग स्किन। हम कैसे अपनी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बना सकते हैं और कौन कौन से इंग्रेडिएंट हमारे फेस मास्क में यूज़ होंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो है बेसन। गाइस, इट हैज़ स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टी एंड इट ऑल्सो मेक द स्किन रेडियंट and it also remove the toxins as it penetrate the skin deeply. Second, हमारा ingredient है दही curd. Guys, it contain lactic acid which soften and moisturize the skin. Guys, third है हमारा tomato and tomato rich in antioxidant which help in toning and brightening the skin. Guys, fourth है हमारा honey. Guys, honey remove dirt from the skin and it also maintain moisture level of the skin. तो हमें अपना फेस मास्क बनाने के लिए सिर्फ ये चार इंग्रेडिएंट यूज़ करने हैं, बेसन, दही, टोमेटो एंड हनी। तो सबसे पहले मैं अपना फेस मास्क बनाने के लिए ले रही हूँ 2 टेबलस्पून बेसन। 2 टेबलस्पून बेसन में मैं लूँगी 1 टेबलस्पून दही और मैं लूँगी 1/2 टोमेटो एंड और हमें चाहिए 1 टेबलस्पून हनी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मेरा जो 1/2 टोमेटो लिया है उसका मुझे पेस्ट बना लेना है। और अब मैं लूँगी एक बाउल में 2 टेबलस्पून बेसन। बेसन में हमने जितने भी जो हमारे और तीनों इंग्रेडिएंट है, दही 1 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून लेना है हमें टोमेटो जो पेस्ट हमने बनाया था, और वो हम अपने पैक में मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ टोमेटो का जो हमने पेस्ट बनाया था, और 1 टेबलस्पून हम मिक्स करेंगे हनी। अब सभी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और हमारा पैक बनकर रेडी हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से हमें इस तरीके से मिक्स करना है अपने पैक को, और हमारा पैक बनकर तैयार हो चुका है। अच्छा रिजल्ट पाने के लिए गाइस, हमें इस पैक को 1 हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है। इस पैक को लगाने से पहले आपको अपना फेस वॉश करना है, फिर 20 मिनट बाद अपना फेस वॉश कर लेना है। उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।